एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेश, आय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर दैनिक राशिफल। आज का दिन संडे का है, तो आज हम आपको बताएंगे कि रविवार का दिन कैसा बीतने वाला है सभी 12 राशि के जातकों के लिए। शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो दोपहर 12:44 तक रहेगा। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज प्रातः 11:50 से 12:44 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल, जिसे अशुभ समय माना जाता है, उसकी बात करें तो शाम को 5:24 से 7:06 तक राहु काल है। और दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो इससे आपको बचना है और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ मुख रखकर नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के राशिफल की, और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। दूसरों को क्रिटिसाइज करने की आपकी आदत, यानी आलोचना करने की आपकी जो आदत है, उसे आज आप खुद भी आलोचना के आपको शिकार होना पड़ सकता है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर आज दुरुस्त रखें और पलट कर तल्ख जवाब देने से बचें। ऐसा करने पर आप जो है आसानी से दूसरों की कड़ी टिप्पणियों से निजात पा सकते हैं। अपने गुस्से पर आज काबू रखना है और सबसे सही तरीके से व्यवहार करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं वो मुश्किल में फंस सकते हैं, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह आज पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे और घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेंगे। जो लोग अब तक सिंगल हैं, उनकी मुलाकात आज किसी खास से होने की संभावना है या बातचीत हो सकती है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले यह ज़रूर जान लें कि कहीं वो शख्स किसी और के साथ रिश्ते में तो नहीं। आज आप कोई नई पुस्तक जो है अपने आप को पढ़ सकते हैं, अपने किसी कमरे में बंद करके और पूरा दिन गुजार सकते हैं उस पुस्तक में ही। कुछ लोग सोचते हैं कि मैरिड लाइफ जो है ज़्यादातर झगड़ों के इर्द गिर्द ही घूमता है, टेंशन के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन आज आपके सब कुछ जो है आपके साथ शांत रहने वाला है, अच्छा बीतने वाला है। जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनकी जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो फिर से चालू होने हो सकते हैं आज, तो आप सोच सकते हैं इस बारे में कुछ डिसीजन लेने की। आज का दिन इसके लिए अच्छा है। उपाय के तौर पर आज के दिन विष्णु जी या दुर्गा जी की पूजा करें। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। आज आपकी सेहत पूरी तरीके से अच्छी रहेगी। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज कोई भी ऐसा काम ना करें, नहीं तो आर्थिक हानि हो सकती है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जो है जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। अगर आप अपने प्रेमी के साथ कहीं जो है बातचीत करते हैं तो सोच समझ कर बोले, नहीं तो आपकी एक गलत शब्द की वजह से आज रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो लव पार्टनर है आज आपसे नाराज हो सकता है। जो चीज़ें आपके लिए आवश्यक नहीं हैं उन पर आज अपना अधिकतर समय ज़ाया आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अपने काम को किसी ऐसे चीज़ में लगाएं जो आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे। अगर आप और आपका जीवन साथी खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, तो इसीलिए इस लॉकडाउन में अपने आप को ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाने से दूर रखें, हेल्दी खाएँ और जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें करें। आज आप फोटोग्राफी करके आने वाले कल के लिए कुछ बेहतरीन यादें भी सजो सकते हैं। अपने कैमरे का सदुपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि आज विष्णु जी की आराधना करें। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। बहुत ज़्यादा चिंता और तनाव करने की आपकी आदत सेहत बर्बाद कर सकती है। मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए शंका और झुंझलाहट से निजात पाएं। अपने खर्चों पर काबू रखें और आज हाथ खोलकर व्यय करने से बचें। आपकी ज्ञान की प्यास आज आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी और आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ नए लोगों से भी जुड़ सकते हैं। हर रोज़ प्रेम में पड़ने की अपनी आदत को बदलिए, नहीं तो हो सकता है कि इससे आपके जो है कैरेक्टर पे कुछ दाग लग जाए। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व सभी के दिलों को आज अपनी तरफ खींचेगा। किसी के प्रभाव में आकर आज आपका लाइफ पार्टनर आपसे झगड़ सकता है, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ भी जाएगा। अपने साथी के लिए कोई बेहतरीन पकवान बनाकर आप फीके पड़े रिश्ते में गर्म जोशी भर सकते हैं, तो आज के दिन अपने किचन का इस्तेमाल करें और अपने लव पार्टनर को जो है अपने लाइफ पार्टनर को इम्प्रेस करें। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है रात के समय जौ भिगो कर रखें और अगली सुबह उसे किसी पक्षी को डाल दें। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। आज जो है गलत चीज़ों से दूर रहें, जैसे शराब सिगरेट आदि आप पीते हैं तो इससे दूर रहें, क्योंकि इससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा और आप गहरे आराम से जो है महरूम रह सकते हैं। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। किसी बुजुर्ग की सेहत आज चिंता का कारण बनने वाली है, इसीलिए घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी तबीयत का खास ध्यान रखें। थोड़ी सी भी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज लव लाइफ
की बात करें तो बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है। आज हो सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार करे। आज के दिन कुछ दोस्त जो है आपको, पुराने दोस्त आपको फिर से जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। आप जो है इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। जीवन साथी के साथ जो है हो सकता है अचानक किसी जो है काम को लेकर बहस हो जाए, लेकिन ये चीज़ जो है दिन के उतरार तक ठीक हो जाएगी। अचानक जो है अगर आप जो है उनसे कोई बहस करते हैं, उनको कुछ बोलते हैं, तो हो सकता है कि वो भी अपनी प्रतिक्रिया जो है उनकी तरफ से नकारात्मक ही आए, लेकिन फिर भी जो है आपको ये कोशिश करनी है कि रिश्ते को कैसे ठीक से बनाना है और अपने बीच में तालमेल बना के चलनी है। विचारों से ही मनुष्य की दुनिया बनती है। कोई बेहतरीन किताब पढ़कर आप अपने विचारधारा को और भी सशक्त कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है। आज के दिन जो है किसी गाय को रोटी खिलाएं या किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के काम करने के लिए अच्छा दिन है। अपने धन का संचय कैसे करना है, यानी सेविंग्स कैसे करना है, यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और यह हुनर को सीख कर आप अपना धन भी बचा सकते हैं। दोस्त हो सकता है शाम के समय कॉल करें और आपका जो है आपके शाम को खुशनुमा कर दें। आज के दिन अपने लव पार्टनर से कोई भी तल्ख बात कहने से बचें। हो सकता है आज के दिन जो है आपकी सेहत में भी थोड़ी बदलाव आपको नजर आए, तो इसीलिए अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए योग व्यायाम आदि करते रहें। आज आवश्यक जान पहचान बनाने के लिहाज से लोगों से जुड़ना फायदेमंद होगा। आपके लिए आज का दिन खूबसूरत रहेगा, रोमानी रहेगा, लेकिन वही कहा आपको कि सेहत जो है थोड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। पारिवारिक जीवन अभिन्न अंग होता है। आज आप अपने परिवार के साथ जो है अपना समय बिताएंगे और इसका आनंद भी लेंगे। उपाय के तौर पर सलाह देंगे कि आज के दिन भोजन में किसी भी एक समय दिन के पूरे समय में एक नमक ना खाएं। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने हंसाने की शैली है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसका उपयोग करके देखें। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो आज आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। आज आपका ऊर्जा से भरपूर जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। रोमांस के लिहाज से रोमांचक दिन है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और जितना हो सके इसे रोमानी बनाने की कोशिश करें। जीवन का आनंद लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ समय बिताना भी ज़रूरी होता है। आप उनके साथ बातचीत करके आपका मन हल्का होता है, क्योंकि आप हमउम्र होते हैं। अगर आप समाज से कट कर रहेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर आपको आपके साथ जो है कोई नहीं होगा। इसीलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सामाजिक जीवन भी इंसान के लाइफ में उतनी ही अहमियत रखता है। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। आपको जीवन साथी की तरफ से कुछ खास देखने को मिल सकता है। अपने लिए जो लाइफ पार्टनर के साथ घर में ही कैंडल लाइट डिनर की जो है योजना बनाएं। ये आपके हफ्ते भर की थकान को, टेंशन को दूर कर सकता है। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि आज के दिन जो है क्या करना है, आपको सूर्य नमस्कार करना है। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है आपके लिए क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। बहुत ज्यादा रोमांच और दीवानगी की ऊंचाई जो है आपके तार्किक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इम्यूनिटी को ठीक रखना है तो आप जो है हर चीज़ को आप जो है एक लिमिट में ही करें। इन दिक्कतों से बचने के लिए आपको अपने इमोशंस को भी, अपने जज्बात को भी काबू में रखना है। आप जो है घर पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा लें, इससे आपकी इम्यूनिटी को जो है वो कमज़ोर हो सकती है। और अभी के समय में जो है जितना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना आपके लिए अच्छा है। आज के दिन आप जो है एनर्जी आपके अंदर काफ़ी रहेगी और आप मुमकिन है कि अचानक अनदेखा मुनाफा भी आपको मिले। दिन के उत्तरार्ध में अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है और ये खबर आपको पूरे परिवार को आपको खुशी देगी। सारी दुनिया की मदहोशी उन खुश नसीबों के बीच समट जाती है जो प्यार में होते हैं। जी हाँ, आप वही खुश नसीब हैं। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई या बहन के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। वैवाहिक जीवन में गर्म जोशी और गर्म खाने की बहुत अहमियत है। आज आप दोनों का ही लुत्फ उठा सकते हैं। आज आपका व्यक्तित्व लोगों को निराश कर सकता है, इसीलिए अपने जो है पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी लाएं, बातचीत में पॉजिटिविटी लाएं। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि आज जो है घर में रखे कबाड़ को बाहर निकाल दें। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताड़ करने की आपकी आदत आपकी नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। जिन बिजनेसमैन के संबंध विदेशों से हैं आज उन्हें धनहानि होने की संभावना है, इसीलिए आज के दिन सोच समझ कर चलें। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। किसी की प्यार में कामयाबी मिलने की कल्पना को भी सच कराने में आज आप मदद कर सकते हैं।
खाली समय में आप कोई खेल खेल सकते हैं, या हो सकता है इस दौरान जो है आपको चोट आदि लग जाए, तो इसीलिए संभल कर जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं तो थोड़ा संभल कर चलें। लंबे अरसे के बाद जीवन साथी के साथ काफ़ी वक्त गुजारने का आपको मौका मिल सकता है, वहीं किसी दोस्त की सहायता करके आज आप अच्छा महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि आज जो है सबसे पहले सूर्यदेव को सबसे पहले सूर्य नमस्कार करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। सजिटेरियस, शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग करना उपयोगी रहेगा। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। दोस्तों के साथ शाम बेहद मजेदार और हंसी खुशी से भरपूर रहेगी। अचानक मिला कोई सुखद संदेश नींद में आपको मीठे सपने देगा। आज आप नए विचारों से भी परिपूर्ण रहेंगे और जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। मैरिड लाइफ के लिए जो है आज दिन बहुत अच्छा है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पर अपनी मैरिड लाइफ को लेके जो है कोई चुटकुला पढ़ें और उसके बाद सेम चीज आपकी लाइफ में भी आज हो सकती है और आप इमोशनल भी हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर। आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है हर तरीके से, बस आपको जो है थोड़ा संयम रखना है, तनाव नहीं लेना। उपाय के तौर पर आज के दिन आपको माता का आशीर्वाद लें सुबह सुबह। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। आंखों के मरीज जो हैं उनको आज अपनी आंखों का खास ध्यान रखना है। अगर मुमकिन हो तो सूरज की तेज रोशनी से बचें। खर्चों में इजाफा होगा लेकिन साथ ही आमदनी में भी बढ़ोतरी नजर आएगी। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से अचानक कोई संदेश मिलेगा और ये पूरे परिवार में एक एक्साइटमेंट ला देगा। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। रात के समय आज आप अपने घर वालों से दूर होकर आप छत पे या बैल्कनी में अकेले बैठना पसंद करेंगे। ऐसा लगता है कि जीवन साथी आपके ऊपर आज खास ध्यान देंगे। आपकी खूबियां आज लोगों के बीच आपको प्रशंसा का पात्र भी बना सकती हैं। हो सकती है आपकी कोई क्रिएटिविटी से लोग आपकी काफ़ी सोशल मीडिया पर तारीफ करें। उपाय के तौर पर आज के दिन बेसन से बनी चीज़ ज़रूर खाएं। शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। अगर आप पर्याप्त आराम नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे और आपको अतिरिक्त आराम की ज़रूरत होगी। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। कुछ दिनों से आपका व्यक्तिगत यानी आपकी पर्सनल लाइफ जो है आपके ध्यान का केंद्र बन चुकी है, लेकिन आज आप जो है सामाजिक चीज़ों पे आज आप सोशल लाइफ ज़्यादा इंजॉय करेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़रूरतमंदों की मदद करने की भी कोशिश करेंगे। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। आज आप कोई नई पुस्तक जो है अपने आपको कमरे में बंद करके पढ़ सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी जो है नई जानकारियां भी हासिल होंगी। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे। भविष्य की चिंता से अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है, इसीलिए बेवजह चिंता करने के बजाय आज कोई क्रिएटिव काम करें। मन में टेंशन बिठाए रखने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसीलिए कोशिश करें वो चीज़ें करने की जिसके लिए आप समय की तलाश किया करते थे। आपके पास अभी समय भी है और एनर्जी भी, तो ज़रूर उस काम को करें और अपने एक्सपीरियंस को जो है लोगों के साथ भी शेयर किया करें। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि आज के दिन जो है क्या करना है, आपको पैर में काला और सफ़ेद धागा मिला के बांध के उसको अपने पैर के अंगूठे में बांध लेना है। शुभ अंक 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मीन राशि के जातकों की। आप अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस करेंगे। चाहे आप घर का ही काम क्यों ना करते हों, आज उस काम को करने में आपको तकलीफ होगी क्योंकि आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी। आज आप अपने घर के सदस्यों को जो है उससे अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं, घर के खर्चे के हिसाब के बारे में बात कर सकते हैं, आर्थिक जीवन के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर कहें तो घर के लोगों से आप खुलकर बातचीत करने वाले हैं। घर में जो आप समय बिताएंगे घर के लोगों के साथ, ये आपके तनाव को भी कम करेगा। अपनी पूरी सहभागिता दें फैमिली वालों के साथ, उनके साथ हंसी मजाक करें, बैठें, कुछ गेम खेल सकते हैं आप, सिर्फ मुख दर्शक बन के ना रहें। प्रेम के दृष्टिकोण से आज आपका दिन विशेष रहने वाला है। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफ़ी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आज आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। आपका जीवन साथी किसी खूबसूरत सरप्राइज से आपके दिन को बना सकता है। उतावलापन अच्छा नहीं है, आपको किसी भी काम को करने में उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, इससे काम के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इस बात पे आज थोड़ा गौर जरूर करें। उपाय के तौर पर जल प्रधान वस्तुओं का आज सेवन करें। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा आज का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। बहुत सारी जानकारियां दी हैं, संडे का दिन है, अच्छे से बिताएं, घर के लोगों के साथ बिताएं, उन कामों को करें जो करने आपको पसंद है, बाकी कुछ अच्छा डिश बनाएं, खाएं, फैमिली वालों के साथ टाइम बिताएं, बातें करें,
आपके मन को जो है एक फ्रेशनेस फील होगा और आप जो है बहुत अच्छे से अपने जो है एक जो है कहते हैं एक्साइटमेंट के साथ अपने मंडे की शुरुआत कल से कर पाएंगे। तो आज पूरा रिलैक्स करें, संडे का दिन होता भी है रिलैक्स के लिए, तो रिलैक्स करें, उन कामों को करें जो आपको पसंद है। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन है आज, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लॉकडाउन में घरों में रह के ही अपने जो है जन्मदिन का आप जन्मदिन मनाएं, घर में ही अच्छे अच्छे डिशेस बनाएं, घर में लोगों के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ समय बिताएं। बाकी मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।